पंचायती राज विभाग ने गांवों में सफाई अभियान को लेकर लापरवाही में सफाई कर्मी निलंबित किए 5 को नोटिस जारी किया। वहीं जनपद रामपुर में कोरोना के मद्देनजर गांव में चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान में कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। लगातार 2 दिन अनुपस्थित रहने पर 1 सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया है, जबकि 5 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोरोना की रोकथाम के लिए पंचायती राज विभाग ने गांवों में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए 150 क्लस्टर बनाए गए हैं। टीमों को 14 जनवरी तक निर्धारित गांव की समुचित सफाई और मच्छर नाशक दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आइए अब सुनते हैं जिला पंचायत राजाधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी और क्या कह रहे हैं। कोरोना के संकट को देखते हुए कि ग्रामों में सफाई अभियान चलाया जाए और उसके दृष्टिगत रखते हुए जनपद रामपुर में एक सघन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें क्लस्टरवार सफाई कर्मियों को ग्राम में भेजा जा रहा है और वहाँ के ग्राम प्रधान अपने व्यक्तिगत लेबर भी लगा करके कार्य करवा रहे हैं। इस सफाई अभियान में जिन सफाई कर्मियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है और जो लापरवाही बरत रहे हैं, जिनकी शिकायतें प्राप्त हो रही, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। इस क्रम में अभी तक 4 सफाई कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है और लगभग 8 सफाई कर्मियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। अगर उनके नोट जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी की जाएगी। जो निलंबित किए गए हैं सफाई कर्मी, उसमें नन्हे किशनपुर पंचक्की के हैं, सुमित कुमार झुनैया के हैं मिलक ब्लॉक के, और नीरज उर्फ मोनू संजनी नानकार सैदनगर की हैं, और ओमकार ये जो है स्वार ब्लॉक के माटखेड़ा गांव के हैं। इनको निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा अब तक जो नोटिस दी गई है वो सैदनगर के सुरेश कुमार, गुलाब खां, श्रीमती सुल्ताना और बिलासपुर के प्रमोद कुमार, महेंद्र सिंह और शाहबाद के श्री राकेश कुमार, इस्लाम अहमद और चमरुआ की श्रीमती शीला, इनको नोटिस दिया गया है। इसके अलावा भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम से जो लोग लापरवाह साबित हो रहे हैं, अनुपस्थित चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।